सभी भाइयों को नमस्कार। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है आरआरसी हुबली की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई है। ये 4 तारीख का रिप्लाई है, ठीक है, आरटीआई का। इससे पहले मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाई मेरा छोटा भाई का मतलब ऑपरेशन हुआ था, अब वो ठीक है बिल्कुल, ठीक है ना भाई। आप सभी की दुआ से बिल्कुल एकदम अच्छे से ऑपरेशन हो गया। तो हम इसकी बात करें कि भाई देखो, जैसे इसको हम एक बार मिटा देते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था पहली मतलब पहला उन्होंने जिस भाई ने जो ये हैं पृथ्वीराज, इन्होंने जो आरटीआई लगाया था, तो उनका पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई अब जो पैनल आ चुके हैं इनके बाद कितने स्टूडेंट कैटेगरी वाइज बचे हैं, मतलब जो अपने सेकेंड डिवी आएगी उसके लिए। तो इन्होंने क्या बोला है, द इंफॉर्मेशन शुड कुड नॉट बी प्रोवाइड, मतलब ये इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं कि अभी अंडर प्रोसेस है, मतलब प्रोसेसिंग चल रही है, तो इसके बारे में हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं तो इन्होंने भाई जो अपनी उसकी जो भाई की कैटेगरी है उसके हिसाब से उन्होंने किए। अगला दूसरा कि मतलब ये एससी कैंडिडेट कितने हैं, तो यहाँ पे देखो एक बार आपको मैं क्वेश्चन भी बता दूँ आपको, एक बार देखो ऊपर यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, हाउ मैनी एससी कैटेगरी कैंडिडेट पीटी पास्ट आर 3 दे आर इन बिटवीन मार्क्स, ये 60.93 में 599, मतलब उन्होंने मार्क्स बताए। तो भाई इसमें उन्होंने रिप्लाई दिया है इनको, देखो बाकायदा। तो भाई आप जितने भी स्टूडेंट हो तो अपना अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आरटीआई लगा सकते हो ना। और यहाँ पे देखो जैसे ये सीपीओ का नंबर भी दिया गया है यहाँ पे, इस पर भी आप कॉल करके और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई सेकेंड डिवी कब आएगी, क्योंकि देखो इस जोन से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो अपना हुबली बोर्ड है भाई, देखो सबसे बेस्ट माना जाता था, लेकिन अब की बात पता नहीं क्या हो रहा है, तो सबसे देखो जो पॉइंट्समैन वाले हैं तो भाई उनको ज्वाइनिंग भी नहीं दिए। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप पॉइंट्समैन वाले हो तो भाई एक बात आप भी सुन लो कि आप कमेंट करके ये बताओ कि आपने आपकी कौन सी रैंक पे आपका हो गया है, ठीक है, जिससे कि जो बाकी बचे हुए भाई हैं उनको भी एक एग्जैक्ट आइडिया लग सके। और भाई देखो यहाँ पे उनका दूसरे जो क्वेश्चन किया है उसका यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो भाई, हाउ मैनी एससी कैटेगरी कैंडिडेट पीटी पास्ट आर दे आर इन बिटवीन रोल नंबर के बारे में बोला है। तो उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई दे दिया है भाई कि मतलब 87 एससी कैंडिडेट हैं, ठीक है, बाकायदा भाई सब मतलब आरटीआई का रिप्लाई दिया है। मतलब एक क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया कि टोटल कितने, देखो हाउ मैनी सीट्स आर वैकेंट कैटेगरी वाइज आफ्टर पार्ट पैनल 3, तो इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने बस। बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो तो तीनों का रिप्लाई उन्होंने दे दिया है। और ये B2 और C1 वाले का भी उन्होंने आरटीआई भैया ने लगाया था, तो इसका भी आंसर उन्होंने देखो यहाँ पे, ये भाई आप यहाँ पे देख सकते हो 103 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरे वाले का उन्होंने बाकायदा रिप्लाई दिया है। तो आप सभी को करना क्या है, अपनी 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 कैटेगरी के हिसाब से भाई आरटीआई लगाइए और उसका जवाब दे देंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना। और जैसे ही कोई भाई का अगर आरटीआई का रिप्लाई आता है तो मुझे आप वो जो व्हाट्सअप है उस पर सेंड कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो अपना चैनल है उसके अबाउट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं आप इन पे फ़ोन भी कर सकते हो उनको, और ये जो मेल आईडी है उन पे भी आप मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। और आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।